नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अनिष्का किचन में। सुबह के जो कि 7 बज रहे हैं और हम आ गए हैं खेत में। तो आज हम बनाने वाले हैं बथुआ वाला दाल और साथ में देखते हैं कि सब्ज़ी भी किस चीज़ की बनेगी। तो देखिए सुबह सुबह देखिए खेत में पानी भी भरा रहा है। बाबू भी आया है और ये भी देखिए आए हैं सुबह सुबह खेत में। तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि अब गर्मियों का सीज़न आ गया है ना, तो खेत जो कि सूख जा रहा है, जो सब्ज़ी हमने लगाए हैं सारे तो सूखने लगा है। तो पानी भर के अब दोनों टाइम देना पड़ता है सुबह शाम। तो चलते हैं, पहले देखिए हम धनिया खेत में आए। धनिया खेत में यहाँ पे धनिया लगाया गया था काफ़ी सारा, तो उसमें जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे बथुआ हो गए हैं। तो बथुआ जो कि हम दाल में डालेंगे, बथुआ बहुत फ़ायदा करता है। तो चलते हैं पहले बथुआ को तोड़ लेते हैं। तो ये देखिए, मुझे लग रहा है कि जो बीज हम लोग धनिया का लाए थे उसके साथ बथुआ का बीज भी था, दोनों इसी में काम कर गया है, धनिया का भी और बथुआ का भी। तो देखिए यहाँ पे देखिए इतना सारा बथुआ, इसको पहले तोड़ लेते हैं, इस तरीके से खोट लेते हैं ऊपर ऊपर जो इसकी नरम नरम फुनगियाँ हैं, देखिए इस तरीके से। तो गर्मियों का जैसे सीज़न आ गया तो उसमें देखिए पालक और बथुआ जब दाल में पड़ता है ना तो दाल बड़ा टेस्टी बनता है। तो बथुआ वाला दाल जो कि मेरे पापा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे से कई बार बोल चुके हैं बथुआ वाला दाल बनाओ, तो आज मैं उन्हीं के मनपसंद का बथुआ वाला दाल जा रही हूँ बनाने। अभी चलते हैं आगे दिखाते हैं और भी सारा बथुआ है, तोड़ लेते हैं। ये देखिए बथुआ एकदम पूरा एकदम घना घना उग गया है जगह जगह पे। ये देखिए पूरा इतना सारा देखिए बथुआ है, फिर इधर भी देखिए सारा ये जो है पूरा बथुआ उग गया है पूरा, और उधर भी बहुत सारा बथुआ है। तो ये बथुआ जो है बड़ा अच्छे क्वालिटी के हैं। बथुआ से थोड़ा सा धनिया की पत्तियों को भी लेंगे, देखिए इस तरीके से उखाड़ ले रहे हैं धनिया भी थोड़ा सब्जी में डालने के लिए और दाल में भी ऊपर डालने के लिए। धनिया की जो सुगंध होती है पत्तियों का ना बड़ा अच्छा आता है, और चटनी तो बहुत प्यारी लगती है धनिया की जो है दाल चावल के साथ। हम लोग सब्जी कभी कभी बनाते हैं, कभी कभी चटनी खाने का मन करता है चटनी बनता है दाल चावल के साथ। तो हमारे खेत में जो कि बथुआ बहुत सारा है, तो देखिए मम्मी भी साथ में आ गई हैं बथुआ कटवाने के लिए। तो आज हम जो कि बनाएंगे बथुआ का साग भी बनाएंगे पालक के साथ, तो बथुआ दाल में भी डालेंगे। जितना बथुआ है खेत में सारा आज हम तोड़ लेंगे, तो अगर नहीं तोड़ेंगे तो इनमें फूल खिल जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो अभी नरम नरम जो कि बथुआ है तो उनको देखिए फटाफट खोट लेते हैं, और बथुआ का जो साग होता है ना बहुत टेस्टी बनता है। देखिए थोड़ा सा मम्मी और तोड़ लिया, ले लेते हैं उसको भी। अभी तोड़ेंगे तो और 2-3 मुट्ठी मिल जाएगा ढूंढ ढूंढ कर बथुआ, लेकिन चलते हैं अब पालक लेने चलते हैं। इधर देखिए हमारे खेत में देखिए काफ़ी सारा पालक भी है, तो पालक काट लेते हैं, बथुआ के साथ पालक भी डाल देंगे। ये गर्मियाँ आ रही ना तो हरी साग सब्जियाँ ज़्यादा खानी चाहिए हमें। एक बार मैंने बहुत लाइन से काटा था पालक, काटने के बाद फिर ये फिर से नए पत्ते लेने लगते हैं। देखिए काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, नए पत्ते लिए हैं। तो देखिए काफ़ी सारा जो कि मैंने पालक ले लिया, अब चलते हैं इसको लेकर। जो मोटे डंडे वाले पालक हैं उनको छांट लेते हैं पहले इसको लेकर। तो चूल्हे के पास देखिए आ गए हैं, और जो मैंने पालक और बथुआ खेस लिया था इसको मैंने साफ पानी से कई बार नल पे जाके धो लिया है। इधर देखिए मैंने 3 तरह का दाल लिया है, ये अरहर का दाल है, ये चने का दाल है, और ये है मूंग साबुत दाल छिलका सहित, इसको हम बनाएंगे। इधर देखिए हमारे घर का देसी चावल है, चावल बनाएंगे। तो चूल्हे में ईंधन को जला दिया, रख दिया प्रेशर कुकर, जिसमें हम दाल बनाएंगे, और एक में बनाएंगे पतीले में चावल। तो सबसे पहले हम देखिए जो दाल लिए हैं 3 तरह का, इसको हम धो लेंगे और चावल को भी धो लेते हैं। पहले दाल धुल लेते हैं फिर उसके बाद चावल धुल लेंगे। इधर मैंने दाल चावल दोनों को धो लिया है, और हमारे प्रेशर कुकर जो कि पानी भी हल्का हल्का गर्म हो गया है, इसमें धुले हुए दाल को हम डाल दे रहे हैं। मिक्स दाल में अगर आप बथुआ डाल के बनाएंगे ना तो दाल बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे जितना हमारे घर पे दाल था 3 तरह का, तो मैंने सारा इसमें मिला के डाल दिया है। अगर आपके पास और भी दाल है तो इसमें और भी डाल सकते हैं, जैसे मसूर की दाल हुआ, मूँग की दाल हुआ, उड़द की दाल हुआ। दाल डालने पर देखिए चावल का भी पानी गर्म हो गया भगोना का, तो उसको भी चावल डाल दे रहे हैं, धुला हुआ चावल। बथुआ जो मैंने देखिए धुला था दाल में डाले, थोड़ा सा काट के डाल देंगे, बाकी फिर काटेंगे साग के लिए। तो दाल हमने जो कि प्रेशर कुकर में डाली दिया है, तो बथुआ देखिए एकदम बारीक बारीक काट ले रहे हैं। बथुआ देखिए मैंने एकदम बारीक काट लिया, जितना बारीक बन सकता है उतना मैंने काटा है। और इधर देखिए हमारे जो दाल में है उबाल आ गया है, तो कटा हुआ बथुआ को हम डाल दे रहे हैं दाल में। अब बथुआ डालने के बाद देखिए इसमें डाल देंगे हम हल्दी पाउडर, आधा चम्मच डाल दे रहे हैं, स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दे रहे हैं। तो नमक मैंने डाल दिया, अब इसको चला कर हम ढक्कन लगा कर दाल को पका लेंगे 4 से 5 सीटी लगाकर। ये देखिए दाल को बढ़िया से मैंने चला दिया है, प्रेशर कुकर ढक्कन लगाते हैं। जब तक हमारा दाल चावल पकता है, इधर देखिए जो पालक और बथुआ है सबको काट के रख लेते हैं साग बनाने के लिए।
पहले पालक को काट लेते हैं। बथुआ और पालक का साग बनाने के लिए देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, इसमें सरसों का तेल डाला। इस साग को हम सरसों के तेल में बनाएंगे तो तेल अच्छे से हमारा गर्म हो गया। और दाल चावल जो था देखिए हमारा पक गया है, तो दाल चावल को हमने उतार लिया है, उसमें तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा लिया है, इसको डाल देते हैं, थोड़ा सा हींग लिया इसको डाल देते हैं, और इधर देखिए लहसुन और सूखा लाल मिर्च दो लिया है, इसको भी डाल देंगे। इसके बाद देखिए हमने प्याज और हरी मिर्च जो चार काटा है इसको भी डाल देंगे, तड़का लगा लेते हैं। इसको चला लेंगे बंगा तड़का को लाल करके भून लेते हैं। इधर से मैंने तड़का लगाया था प्याज लहसुन और सूखा लाल मिर्च हरी मिर्च का, देखिए बढ़िया से लाल हो गया है। इधर मैंने थोड़ा सा आलू काटा है, इसको भी डाल देते हैं। आलू को पहले हम भून लेते हैं, साग जब भी बनाए आलू को पहले थोड़ा भून लेंगे पहले ही, तो साग का जो टेस्ट होता है ना बहुत अच्छा आता है। तो पहले आलू को देखिए आप भून ले रहे हैं, आलू को भूनते समय हल्दी और नमक डाल देते हैं। इधर मैंने देखिए हल्दी पाउडर डालेंगे, यहाँ पे हम लाल मिर्च का पाउडर जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैंने सूखा लाल मिर्च हरा मिर्च खा के डाल दिया है, इससे बहुत तीखा हो जाएगा सब्जी। तो अगर यहाँ पे आप लाल मिर्च पाउडर भी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं हल्दी और नमक के साथ ही। तो नमक मैंने टेस्ट अच्छा डाल दिया सब्जी में, उसको बढ़िया चला लेंगे। इधर मैंने आलू को देखिए हल्दी नमक डालने के बाद काफ़ी देर तक भून लिया है। इधर से मैंने बथुआ काटा था पालक काटा था साथ में दोनों, इसको डाल देते हैं। इसको देखिए थोड़ा सा चला दे रहे हैं कि आलू नीचे जो हमारा आलू लगे ना, जैसे हम बथुआ और पालक डालेंगे ना तो थोड़ा सा पानी छोड़ने लगेगा साग जो हमारा, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दे रहे हैं, आलू जो है ऊपर हो जाए और जो हमारा साग है वो नीचे चला जाए। इसके तरीके से सारे हम बथुआ और पालक को डाल देंगे। तो हमने जो कि इसमें बथुआ की मात्रा को ज़्यादा रखा है और पालक की मात्रा को कम रखा है इस साग में। इधर देखिए हम थोड़ा चटनी बनाएंगे साथ में, देसी चटनी गांव वाली। तो यहाँ पर देखिए टमाटर लिया है, धनिया लिया है, लहसुन अदरक और हरी मिर्च लिया है यहाँ पे, इसको सब मिक्सर जार में डाल दे रहे हैं। तो धनिया को डाल दिया है, अब डालेंगे टमाटर डाल देते हैं। दाल चावल का चटनी जो है बड़ा अच्छा लगता है, ये घर का टमाटर हमारे है और ये ज़्यादा पका नहीं है, थोड़ा सा कच्चे में लेके, तो टमाटर का जो चटनी बनता है ना बहुत टेस्टी बनता है। और इसमें डाल देंगे हम नमक स्वाद के अनुसार, तो नमक मैंने डाल दिया। अब इसको हम देखिए इसका ढक्कन लगाकर हम चटनी को पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो बथुआ और पालक मैंने डाला था काफ़ी सारा गल गया है बथुआ और पालक, तो इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया है आधा चम्मच धनिया पाउडर, इसको डाल देते हैं, और आधा चम्मच लिया है गरम मसाला, इसको डाल देंगे। इधर मैंने लिया आधा चम्मच अमचूर पाउडर, इसको डाल देंगे, इससे जो है साग में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अमचूर पाउडर से। बढ़िया देखिए इसको चला दे रहे हैं। दाल में तड़का लगाने के देखिए कल से मैंने सरसों का तेल डाला है, इसमें डाल देंगे हम जीरा, जीरा का तड़का लगाएंगे दाल में तड़का लगाने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा हींग इसको डाल देते हैं, हींग को भी। ये देखिए लहसुन और हरा मिर्चा लिया है, इसको डाल देंगे। कड़ी पत्ता देखिए लिया है, इसको भी डालेंगे। ये देखिए तड़का बढ़िया से लाल हो गया, तो कलछुल को देखिए कपड़े से बढ़िया से पोंछ लेंगे, जो राख उख लगा हो अच्छे से साफ हो जाए। अब इसमें हम दाल में तड़का लगा देते हैं, इसको देखिए चला देंगे। ये देखिए हमारी दाल जो बथुए वाली बनकर रेडी हो गया है, और बस सब्जी को चलाते हैं देखते हैं। तो नीचे से देखिए हमारी सब्जी भी अब लगने लगा है, इसका पानी जो कि सुखवा देंगे हम। थोड़ी देर तक ऐसे ही इसको हम भून लेते हैं, खोलकर ही आलू बढ़िया सा पक गया है। तो सुबह सुबह देखिए खाने में हमने बनाया काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं। देखिए देसी चावल बनाया, आपको दिखाते हैं। देखिए देसी चावल बनाया, कितना बढ़िया चावल बना है। और इधर देखिए बथुआ वाला एकदम बढ़िया दाल बना है तड़का रख के साथ। ये देखिए दाल कितना अच्छा लग रहा है, और साथ में हमने देसी चटनी ही बनाया यहाँ पे देखिए पीस कर बना दिया है। और यहाँ पे बनाया बथुआ वाला साग, इसमें थोड़ा सा मैंने पालक भी डाला है, आलू भी डाला है। ये देखिए साग भी हमारा बनकर जो कि रेडी हो गया है। तो ये था हमारा सुबह का खाना, और रोटी जो कि सब लोग सुबह नाश्ता किए थे, तो रोटी थोड़ा बाद में बनाऊंगी, जब लोग खाएंगे तभी बनाऊंगी। तो दोस्तों इस तरीके से हरी साग सब्ज़ियाँ जो भी गर्मियाँ आ गई हैं मिल रही हैं, इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए, और ये सब खाना खाने में बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों कमेंट करते रहिए कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है। अगले वीडियो साथ मिलते हैं, धन्यवाद।